हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 में हमें डिफरेंशिएट करना है गिवन क्वेश्चंस को, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉग का यूज़ करना है। ठीक है, बट हमें लॉग का यूज़ क्यों करना है, ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन होता है। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन और इस तरह से और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिविज़न भी दिख रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट भी दिख रहा है, उनका पावर भी दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा जो अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन कंबाइन है, ठीक है, अब इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करें या डिवीज़न रूल यूज़ करें या फिर कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है ना, तो ऐसे टाइम के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉग का यूज़ करते हैं और इस पूरे फंक्शन को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जितना हो सके उतना सेपरेट कर देते हैं हम लॉग का यूज़ करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ और ये जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई कर देंगे, देन हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log on both side we get log y is equal to log of x plus 1 square upon x plus 2 cube into x plus 3 raised to the power 4. okay, then हमारे पास log की property है, that is log of a by b is equal to log a minus log b, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये हो जाएगा log of x plus 1 square minus log of x plus 2 cube into x plus 3 raised to the power 4. ओके, देन इसके बाद क्या हमारे पास लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, लॉग है, तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 क्यूब। अब यहाँ पे तो वैसे प्लस है, लेकिन ये जब माइनस ऑपरेट करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 4। ओके, ये सिंप्लीफाई हो गया है, इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज हमारे पास प्रॉपर्टी लॉग की, दैट इज लॉग एक्स रेस्ट टू द पावर ए इज इक्वल टू ए इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पावर में इनका वो सबको हम क्या सामने लिख सकते हैं, दैट इज we can write here 2 log x plus 1 minus 3 log x plus 2 minus 4 log x plus 3। ठीक है, और यहां पे क्या रहेगा, log y। अब ये टोटली क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले ये यहाँ पे लॉग बाय, पता है हमें लॉग की डेरिवेटिव क्या होती है, जो भी वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले लॉग बाय की डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, देन वाई की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब 2 जो है कोएफिशिएंट है तो 2 एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये जो है लॉग की डेरिवेटिव हो गई 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देन एक्स की डेरिवेटिव 1 आती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखो या फिर मत लिखो चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, अगर यहाँ पे 2x होता था तो हमको यहाँ पे इंटू 2 लिखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देन माइनस 3 इंटू log of x plus 2, that is 1 upon x plus 2 minus 4 into 1 upon x plus
ओके। अब क्या करना है हमें, जो वन अपॉन वाई है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। सो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू इन ब्रैकेट टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री। ओके, देन ये जो वाई है यहाँ पे हम वाई की वैल्यू गिवन वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई की वैल्यू एक्स प्लस वन स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस टू क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री रेस टू द पावर फोर इंटू में ये वैल्यू दैट इज टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट वन, सो हेयर वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस टू एक्स का स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले लॉग का यूज करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ये क्यूब रूट है तो इसको हम लिख सकते फोर एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस टू एक्स का स्क्वेयर। ओके, अब ये क्यूब रूट को हम लिख सकते रेस्ट टू द पावर वन बाय थ्री, ठीक है ना। उसी तरह से स्क्वेयर रूट को हम क्या लिखते हैं, स्क्वेयर रूट को हम वन बाय टू लिखते हैं। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसे हम लिखेंगे वन बाय थ्री। ओके, तो अब हमें यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है। तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो पावर में जो वैल्यू रहती है वो पहले सामने आ जाती है, ठीक है। तो हम वन बाय थ्री को सामने लिख लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू वन बाय थ्री इंटू लॉग ऑफ गिवन ब्रैकेट फोर एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स माइ प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस टू एक्स का स्क्वेयर। ओके, तो अब यहाँ पे पहले डिवीजन है, फिर डिवीजन के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लॉग ऑफ ए बाई बी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देन यहाँ पे हम लॉग ऑफ ए प्लस बी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वन बाय थ्री इंटू लॉग ऑफ फोर एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस टू एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लॉग ऑफ ए बाय बी की प्रॉपर्टी यूज की है, अब यहाँ पे हम लॉग ऑफ ए इंटू बी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी करके, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू वन बाय थ्री इंटू लॉग ऑफ फोर एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। अब वैसे तो लॉग ऑफ ए प्लस भी आता है, बट ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लॉग ऑफ फाइव माइनस टू एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। चाहे इस तरह से लिखो, अब हमें पता है कि जो पावर में होता है उसे हम सामने लिख सकते हैं, तो इस टू को हम यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीटली सिंप्लीफाई, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा लॉग वाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो यहां पे हम लिख देंगे पहले तो लॉग वाई की डेरिवेटिव हो जाएंगी वन अपॉन वाई, देन वाई की डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वन बाय थ्री क्या है, कोफिशियंट है तो वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इन ब्रैकेट
लॉग 4x-1 की डेरिवेटिव, ठीक है, तो लॉग की जो डेरिवेटिव हो जाएंगे 1/4x-1, ठीक है। अब ये लॉग की डेरिवेटिव होगी, देन 4x की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी, इंटू में सिर्फ 4, ओके, देन माइनस लॉग ऑफ 2x+3 की डेरिवेटिव 1/2x+3, ठीक है। अब 2x है तो 2x की डेरिवेटिव इंटू 2, देन अब यहां पे 2 जो है वो कोएफिशिएंट रहेगा इसका, माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 5-2x की डेरिवेटिव 1/5-2x इंटू, अब यहाँ पे जो है -2x है तो -2x की डेरिवेटिव आएंगे -2 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 की जगह पे -2। -2 क्या है, ये 2x की डेरिवेटिव -2 हमने ऊपर लिखा है, ओके, तो ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट। देन क्या करेंगे हम, ये जो y है ये y इधर चल जाएगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू y/3 इंटू 4 × 4/4x-1 − 2/2x+3 माइनस, अब ये यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/5-2x, ठीक है। तो अब क्या करने का, ये y है तो y की वैल्यू जो गिवन थी वही हम पुट कर देंगे, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 4x-1/2x+3 इंटू 5-2x का स्क्वेयर, ओके, इंटू में ब्रैकेट जो है वो एज इट इज हम यहाँ पे इस ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, तीन फंक्शन है, तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ओके। अगर दो फंक्शन रहिए तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे तीन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ गिवन फंक्शन x²+3⁻³² इंटू sin³² इंटू 2⁻²। ओके, तो हम लॉग का यूज कर रहे हैं तो चीजों भी क्या हो जाएंगे, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। सो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x²+3⁻³ प्लस, अब हमें पता है कि जो पावर होता है वो हम लॉग के पहले लिख सकते, तो ये 3/2 का हम लिख देंगे सामने, 3/2 देन प्लस लॉग ऑफ sin³² है, ठीक है, तो क्यूब को हम सामने लिख देंगे, 3 × log sin²x प्लस, अब यहाँ पे log²⁻²² है तो हम x² को सामने मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, x² × log², ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, अब हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग वाई है, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सबसे पहले लॉग वाई की डेरिवेटिव 1/y इंटू लॉग इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू 3/2 कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा, 3/2 कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन लॉग की डेरिवेटिव लॉग ऑफ x²+3 दैट इज 1/x²+3 इंटू, अब क्या होगा, x² की डेरिवेटिव 2x यहाँ लिखो या फिर ये 1 की जगह पे भी हम लिख सकते हैं, ओके, प्लस 3 कोएफिशिएंट है तो लॉग ऑफ sin²x की डेरिवेटिव 1/sin²x हो जाएगा,
देन साइन टू एक्स की डेरिवेटिव, ठीक है, पहले लॉग की डेरिवेटिव निकाले, अब साइन की डेरिवेटिव क्या आती है, कॉस टू एक्स, ठीक है। अब साइन की डेरिवेटिव कॉस आ गई, अब साइन के बाद में क्या था, टू एक्स, टू एक्स की डेरिवेटिव कितनी आएंगी, टू, ठीक है। तो लॉग ऑफ साइन ऑफ टू एक्स था, तो पहले हमने लॉग की डेरिवेटिव लिखे, देन हमने साइन की डेरिवेटिव लिखे, देन हमने टू एक्स की डेरिवेटिव लिखे, ठीक है। देन एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग टू प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग टू है, तो यहाँ पे जो लॉग टू है वो कॉन्स्टेंट है, तो वो क्या रहेगा, कोफिशियंट रहेगा लॉग टू एज इट इज, पहले लिखो या बाद में लिखो, ठीक है। तो ये लॉग टू एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव आएंगी टू एक्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये टू एक्स अलग है, लॉग टू अलग है, तो हम इसे लॉग टू टू ऑफ लॉग फोर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, टोटली हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है, ओके। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो वाई है उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू इन ब्रैकेट, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टू से टू डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, थ्री एक्स बचेगा, तो थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस, अब यहाँ पे थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, और कॉस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे प्लस, पहले टू एक्स लिख दो, टू एक्स इंटू लॉग टू, ओके। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था जो वाई है, ठीक है, तो वाई की जगह पे हम वाई की जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हेयर गिवन इज फंक्शन, अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन रेस्ट टू द पावर थ्री बाय टू अपॉन रूट एक्स प्लस थ्री होल क्यूब इंटू कॉस एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहले तो लॉग ऑफ ए बाई बी का यूज करेंगे, देन नीचे लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू लॉग बी का, लॉग ऑफ ए इंटू बी का यूज करेंगे हम, ओके। सो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, अब जो पावर में है, ठीक है, थ्री बाय टू, उसे हम सामने लिख सकते हैं, थ्री बाय टू माइनस, ठीक है, ए बाय बी है, ठीक है, तो माइनस आएगा लॉग ऑफ क्या है यहाँ पे, रूट एक्स प्लस थ्री रेस टू द पावर थ्री इंटू कॉस एक्स रेस टू द पावर एक्स, ओके। अब यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हम यहाँ पे लॉग ए इंटू बी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, सो दैट इज इक्वल टू थ्री बाय टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस थ्री का क्यूब, अब ये जो पावर है, ठीक है, इस पावर को हम सामने लिख सकते हैं इंटू में, अब यहाँ पे हम प्लस का यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट के सामने क्या है, माइनस है, जब हम यहाँ पे माइनस ऑपरेट करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसके पावर में जो एक्स है उसे हम सामने लिख देंगे, दैट इज एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे सिंप्लीफाई करना था, अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, यहाँ पे रहेंगे लॉग वाई, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट,
अब लॉग वाई की डेरिवेटिव होती है वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो 3/2 है कोएफिशिएंट है तो वो 3/2 एज इट इज रहेगा। देन लॉग की डेरिवेटिव हो जाएंगी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। ठीक है, अब जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है उसके डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे या फिर इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इस वन को हटा दो तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएंगी 2x और 2x की डेरिवेटिव हो जाएंगी ओनली 2। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। देन -3 इंटू इसकी डेरिवेटिव लॉग ऑफ √x+3 तो वन अपॉन √x+3 इंटू √x की डेरिवेटिव होती है वन अपॉन 2√x। ठीक है, देन है अब यहाँ पे देखो क्या है -x इंटू लॉग ऑफ cos x। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा log ऑफ cos x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से। तो इन माइनस नीचे लिख देंगे हम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है, किसी भी हम फर्स्ट और किसको भी हम सेकंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक्स दिख रहा है तो इसको हम पहला ले लेंगे, इसे हम दूसरा ले लेंगे। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि लॉग ऑफ कॉस एक्स की डेरिवेटिव। तो पहले लॉग की डेरिवेटिव हो जाएंगी वन अपॉन कॉस इंटू, अब कॉस है तो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब कॉस की डेरिवेटिव कितनी आ जाएंगी, कॉस की डेरिवेटिव होती है -sin। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया। अब देन प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन सा है ध्यान में देखना, भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाहर माइनस है तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। सेकंड फंक्शन है लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स की डेरिवेटिव वन आती है। ठीक है, चाहे अब वन लिखो या फिर मत लिखो, लेकिन लिख देंगे, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है, ये 3/2 कोएफिशिएंट, इसे डिफ्रेंशिएट किया है 3 कोएफिशिएंट, देन यहाँ पे हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। ओके, यहाँ तक हो गया है, अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और तो सबसे पहले वन बाय वाई, ठीक है, जो वाई है इधर चले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ बचेंगे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू इन ब्रैकेट ये वैल्यू। ठीक है, ये क्या है 3/2 है इंटू, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, टू कॉमन ले सकते, तो हम टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x+1 अपॉन x²+2x+1। ठीक है, देन माइनस अब ऊपर क्या है 3 है, ये तीनों भी क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 अपॉन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2√x इंटू √x+3। ओके, ये हो गया, देन ये टर्म, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो माइनस, अब ये माइनस है यहाँ पे एक और माइनस है, तो ये जो माइनस माइनस ये हो जाएंगे पहले टर्म में, ये प्लस हो जाएंगे, ये हो गया प्लस एक्स इंटू, अब ऊपर क्या है साइन है नीचे क्या है कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन होता है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू टैन एक्स, देन हो गया। ओके, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स। ओके, ठीक है, माइनस ऑपरेट करना है तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। सो अब यहां पे क्या है, वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू, ठीक है, x²+2x+1 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन √x+3 इंटू कॉस ऑफ रेज टू द पावर एक्स।
इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे टू टू गेट कैंसल, क्या बचा, थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस, नीचे लिख देंगे माइनस थ्री अपॉन टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स इंटू टेन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहां पे भी हम पहले सबसे पहले लॉग यूज करेंगे, लॉग ऑपरेट करेंगे, देन हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट log y is equal to log of x raised to the power 5 into tan cube 4x upon sin square 3x। okay, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले log of a by b की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो log of x raised to the power 5 into tan cube 4x माइनस log ऑफ साइन स्क्वेयर 3x। ओके, अब यहाँ पे दो फंक्शन है जिसके बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हम यहाँ पे log a इंटू बी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये हो जाएगा log x रेस टू पावर 5 प्लस log tan क्यूब 4x माइनस log साइन स्क्वेयर 3x। ठीक है, तो जो मल्टी पावर में, ठीक है, वो वैल्यू क्या चली जाएंगी, सामने आ जाएंगी। दैट इज नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं हम, चाहे तो यहीं लिख दो, ये जो 5 है ये सामने आ जाएगा, यहाँ जो क्यूब है ये 3 सामने आ जाएगा और यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा। ओके, 2 इंटू लॉग साइन 3x, यहाँ पे लॉग वाई है पहले से, तो पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, पहले तो लॉग वाई की डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 5 कोएफिशिएंट है तो 5 एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, 3 कोएफिशिएंट लॉग ऑफ टेन 4x, तो पहले लॉग की डेरिवेटिव तो क्या आ जाएंगी, 1 अपॉन टेन 4x। ठीक है, देन टेन की डेरिवेटिव, टेन की डेरिवेटिव क्या आती है, sec स्क्वायर 4x। ठीक है, अब टेन की डेरिवेटिव के बाद में क्या आ जाएगा, 4x, तो 4x की डेरिवेटिव क्या आएंगी, इंटू 4। ठीक है, देन माइनस 2 कोएफिशिएंट लॉग ऑफ साइन 3x, तो लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन 3x, देन साइन की डेरिवेटिव कॉस 3x, देन 3x की डेरिवेटिव 3। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, इधर चल जाएगा y इंटू 5 इंटू 1 अपॉन एक्स दैट इज 5 अपॉन एक्स। अब यहां पे 3 इंटू 4 12, इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो tan है 1 अपॉन tan को हम ले सकते हैं, cos 4x अपॉन sin 4x, और sec को हम ले सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर 4x। ठीक है, sec यानी कि 1 अपॉन cos है ना, देन ये हो गया। अब इसे यहाँ पे माइनस 3 टू जा 6 cos अपॉन साइन cot 3x। ओके, बच्चा क्या यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये जो नीचे cos स्क्वेयर है तो एक स्क्वेयर से ऊपर का cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा नीचे साइन 4x इंटू cos 4x।
डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो वाई की जगह पे हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, मैं अभी वाई लिख रहा हूँ ठीक है, लेकिन वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देना। देन आगे क्या है यहाँ पे, फाइव बाई एक्स प्लस, अब यहाँ पे 12 अपॉन साइन 4x इंटू कॉस 4x है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सॉरी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 24 कोसेक 8x। ठीक है, अब ये कैसा है ठीक है उसे मैं बता देता हूँ। यहाँ क्या है 12 अपॉन साइन 4x इंटू कॉस 4x, अब ऊपर 12 है क्या करेंगे हम, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ऊपर तो हो गया 24, अब नीचे 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, साइन 2x का, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह पे ये वैल्यू गिवन है। अब सिंगल एंगल का क्या होता है, डबल होता है। अब यहाँ पे एंगल एंगल क्या है 4 टाइम्स है, तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 8x। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, दैट इज 24 कोसेक 8x। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है। हम इतना ही रख के सॉल्व कर सकते थे, बट टेक्स्ट बुक में या आंसर इसलिए हमको इस तरह से इतना सॉल्व करना पड़ा। ओके, ये लिखने के बाद आगे क्या है, -6 cot 3x, -6 cot 3x। ओके, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर देना, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हेयर वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉग का यूज करेंगे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी है जो पावर पावर में होता है उसे हम सामने लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सो वी कैन राइट हेयर लॉग वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब लॉग वाई की डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो जैसे कि ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन, तो सॉल्व क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इज टेन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स लिख दिया हमने। देन प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो वाई है इधर चल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो वाई इंटू टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है एक्स रेज़ टू द पावर टैन इनवर्स एक्स। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वाई इज इक्वल टू साइन रेस टू द पावर एक्स। ठीक है,
हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है? ए रेस्ट पावर एक्स वाला, ठीक है। अगर एक वेरिएबल का पावर फंक्शन रहा तो हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन फंक्शन का पावर फंक्शन रहा तो हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें लॉग का यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग यूज़ करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स रेज़ टू द पावर एक्स, यानी कि लॉग वाई इज इक्वल टू, अब ये जो है सामने लिख सकते हैं हम, एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लॉग वाई की डेरिवेटिव 1/y, वाई की डेरिवेटिव dy/dx। अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि लॉग साइन एक्स की डेरिवेटिव 1/sin x, देन साइन एक्स की डेरिवेटिव cos x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स की डेरिवेटिव 1, ठीक है, लिखो या फिर मत लिखो चलेगा। ओके, सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/y, इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, y की जगह पे y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स रेज़ टू द पावर एक्स। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, हमें इस तरह से सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हेयर y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो पावर एक्स है एक्स का है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में साइन एक्स का पावर था, ठीक है, इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो साइन है तो साइन को सॉल्व करने के एक ही फंक्शन है साइन, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की तो ज़रूरत नहीं है, बट जब हम एक्स रेज़ टू द पावर एक्स सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसके, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले तो करना नहीं पड़ेगा लेकिन बाद में तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में तो हम लॉग यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे हम पहले ही डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेट यू इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर एक्स। ओके, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये dy/dx इज इक्वल टू साइन की डेरिवेटिव कॉस एक्स रेज़ टू द पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे लिखना है, तो इसकी वैल्यू हम इसके जरिए सॉल्व करेंगे। तो एक्स रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, हमने यू कंसिडर किया है, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लॉग का यूज करेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग यू इज इक्वल टू, यू की जगह पे आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स। ओके, सो लॉग यू इज इक्वल टू, ये एक्स पहले आ जाएगा, इंटू लॉग लॉग एक्स। ओके, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब लॉग यू की डेरिवेटिव 1/u इंटू du/dx। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन फंक्शन है, एक एक्स है दूसरा लॉग एक्स है, तो दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1/x प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स की डेरिवेटिव 1, लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है। सो ये यू है उधर से ले जाएगा, देयर फोर du/dx इज इक्वल टू u इंटू
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डिवाइड वन प्लस लॉग एक्स. ओके सो देयर फोर डी यू बाय डी एक्स, तो यू की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स पावर एक्स है, इज इक्वल टू यू की जगह में हम पुट करेंगे एक्स एक्स पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स. ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एक्स इज दिस वैल्यू. ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये वाली वैल्यू. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एक्स इंटू दिस टर्म एक्स रेज़ टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था, है क्वेश्चन इजी सॉल्व करना में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हुए हैं. ओके तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. सो हमने एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. अब आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.